हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट तो हम दिसंबर 2018 का पेपर कर रहे थे एम एस ओ वन का कल एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है आई होप प्रीवियस जो सारे क्वेश्चंस हैं जो हम कर चुके हैं टेन फर्स्ट पेपर के एंड फाइव इस पेपर के वो फिफ्टीन टॉपिक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं तो यहाँ पे अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है बैक टू बैक वीडियोज अब कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी अभी तीन चार घंटे में पूरा पेपर ये और नेक्स्ट पेपर के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर ले यहाँ पे अब आप देखो आपके पास क्या क्वेश्चन है वॉट यू मीन बाय सोरेनिटी डिस्कस इट्स वेरियस फीचर थोड़ा सा पॉलिटिकल काइंड ऑफ चीजें हैं यहाँ देखो क्योंकि सोसाइटी में आपस आप में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं आपको पता है ये पॉलिटिकल चीजें इकोनॉमी सोशोलॉजी ये सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक तो है ही ना क्योंकि सब में ह्यूमन बींग इन्वॉल्व है सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स की बात करो सब में ह्यूमन बींग इन्वॉल्व है तो आपकी ये चीजें क्या है इंटरलिंक्ड होती हैं तो यहाँ पे सोशोलॉजी में भी आपको ये पॉलिटिकल डायमेंशन वाली चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी तो सिंपल सा क्वेश्चन आया है हमारे आगे सोवरेनिटी क्या होता है और इसके फीचर्स बताने हैं सोवरेनिटी का बेसिक मीनिंग अगर हम देखें तो बेसिक मीनिंग यहाँ पे एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करो तो होता है सुप्रीम ठीक है सुप्रीम या सुपीरियर हम कह सकते हैं आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये बात मेंशन की गई है कि इंडिया एक कैसा नेशन है कैसा स्टेट है इंडिया एक इंडिया एक सोवरन वहां पे खैर बहुत सारे फीचर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सोवरन सोशलिस्ट सेक्यूलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक तो क्या वहां पे मेंशन किया गया सोवरन वर्ड मेंशन किया गया है इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि आज की डेट में अपने कुछ भी डिसीजन लेने के लिए इंडिया जो है वो बाहर किसी के डिसीजन का परमिशन का वेट नहीं करता हम इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम है हम अपने डिसीजन जो है वो खुद लेंगे कौन लेता है जिन रूलर को आप रिप्रेजेंटेटिव बना के अपना मतलब वोट दे प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो दे टेक द डिसीजन ऑन योर है ना ये सिस्टम चलता है हमारे यहाँ तो यहाँ पे वही सोवरेनिटी के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें डिटेल में कि इट इज द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट टू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एरिया गवर्नमेंट का राइट right है कि जिस भी एरिया में वो रूल कर रही है वो गवर्न कर रही है वहां पे वो क्या करेगी कंप्लीट कंट्रोल किसका होगा कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होगा अब यहाँ पे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं ये तो प्रॉपर देखो जब अकॉर्डिंग टू सम पर्सन आप याद करते हो ना तो एज इट इज हमें याद करनी पड़ती है यहाँ पे तो आप वर्ड बदल लो बट अकॉर्डिंग टू हिंसले यहाँ पे हिंसले के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी क्या है सोवरेनिटी इज द आइडिया दैट देयर इज अ फाइनल एंड एप्सिल्यूट पोलिटिकल अथॉरिटी फाइनल है और एप्सिल्यूट मतलब विदाउट एनी इंटरफेरेंस एक पोलिटिकल अथॉरिटी है एक पोलिटिकल कम्युनिटी की मतलब कुछ लोग भी तो होंगे अगर कोई रूल कर रहा है गवर्न कर रहा है तो कुछ लोग भी तो होंगे जिन्हें रूल किया जा रहा है तो वो सारे लोग किस में में आ आ जाएंगे जाएंगे उस पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड एंड नो फाइनल एब्सोल्यूट अथॉरिटी एग्जिस्ट एल्सवेयर कहीं और और कोई फाइनल एब्सोल्यूट अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उस पर्सन के पास ही पर्टिकुलर जो है वो एक पर्सन या पूरे ग्रुप के पास ही सारी पावर जो है वो होगी अब किसी भी स्टेट के लिए ये एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक में आता है क्या सोवरेनिटी जैसे अभी मैंने आपको इंडिया का आपको प्रियामल में बताया ना क्या क्या चीज़ें मेंशन है सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक तो सोवरन एक बेसिक वर्ड आया ना वहां पे इंपॉर्टेंट तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी स्टेट के लिए हर स्टेट में हम सोवरेनिटी का कंसेप्ट तो मान के चलेंगे कि एग्जिस्ट करता है तो डेमोक्रेसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सोवरेनिटी का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिल जाना मिल जाता है ठीक है अब इन एवरी स्टेट देयर इज अर्स देयर इज अ अन बॉडी हर स्टेट में एक सोवरन बॉडी होगी इंडोर्ड विद सुप्रीम पावर टू ट्रांसलेट इन लीगल टर्म विल ऑफ द स्टेट जिसको थोड़ा सा जिसके पास पावर होगी और उस पावर के को किस वे में बोल जाएगा विल विल मतलब इच्छाएं क्लियर विल मतलब इच्छाएं वो अपनी इच्छाएं अपने अकॉर्डिंगली क्या करेंगे इंपोज करेंगे लोगों पे अब बॉडी जब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हो जब आप कह रहे हो सोवरन बॉडी तो बॉडी मतलब कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है कि पुरानी कहानी मतलब क्या चीज सोवरेनिटी का जो बैकग्राउंड हम कह सकते हैं हिस्ट्री कह सकते हैं तो रोमन के ज्यूरिस्ट उल्पियन ने ऑब्जर्व करा कि पीपल पीपल ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहे हैं ऑल देयर एंड पावर टू द एम्परर आप अपना सारा जो भी पावर वगैरह है सब कुछ वो किसको दे रहे हो वो एक एम्परर को दे रहे हो एक राजा को दे रहे हो जिसको आप चुन रहे हो द एम्परर इज नॉट बाउंड बाय द लॉ एम्परर पे कोई नियम कानून लागू हो ही नहीं रहा है

अथॉरिटी किसके पास है एम्परर के पास है इन सब तीनों बातों से वो आपको ये बताना चाह रहे थे बिकॉज उन पर कोई लॉ एम्प्लाई नहीं हो रही है राजा पे रूलर पे और राजा और जो रूलर है वो बाकियों के लिए क्या बना रहे हैं लॉ बना रहे हैं अब यही चीज आते आते जो आपका सोवरनिटी का कंसेप्ट है मेडिवल टाइम तक आते आते मेडिवल मुनाक वर नॉट स्ट्रॉन्गली मुनाक मेडिवल टाइम पे इतने स्ट्रांग मुनाक नहीं थे इतनी सुप्रीम एब्सल्यूट फॉर्म में सोवरेनिटी हमें देखने को नहीं मिलती थी नॉट स्ट्रॉन्गली मुनाक नॉट स्ट्रॉन्गली सोवर्न बॉडी नहीं होती थी रीजन अगर मैं बोलूँ तो क्यों क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रुकावटें कुछ कंस्ट्रेंड थे अब वो कंस्ट्रेंट क्या थे एक तो पावर शेयरिंग होती थी जब दो लोग आपस में शेयरिंग करेंगे लाइक मोनार्क फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी ये सब शेयर कर रहे थे जब पावर तो पावर शेयर करोगे तो सब कुछ डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूं अगर देखो आप पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या सारे डिसीजन आपके होंगे नहीं ना यू हैव टू डिस्कस विद योर पार्टनर ऑल्सो तो वहां पर डिसीजन और अथॉरिटी जो है क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी तो क्या एब्सिल्यूट पावर आपके हाथ में रहेगी सिंगल स्टार्ट कर रहे होन द कम्प्लीट पावर इज इन योर हैंड सारे डिसीजन आप लोगों तो वही चीज है यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रेंट हमें देखने को मिलते थे एंड दोनों मिला के भी इन दोनों को कंबाइन भी कर दिया जाए तो इनको स्ट्रॉन्गली कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ता था कस्टम का समटाइम रीति रिवाजों का

अब इन एटीन इन सॉरी इन फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स ट्रिटाइज यहाँ पे एक बुक का नाम है देखिए लेस सिक्स लिवरेज डे रिपब्लिक मतलब क्या है सिक्स बुक्स ऑफ रिपब्लिक सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक जो जीन बोर्ड ने यहाँ पे क्या बोला जीन बोर्डेन के थ्रू ये लिखा गया उन्होंने आर्ग्यू करा दैट इट इज इनहैरिट इन नेचर ऑफ द स्टेट दैट सोवरिटी मस्ट बी सोवरनिटी एक तो एब्सिल्यूट होगी एप्सिल्यूट मतलब कोई रोक टोक नहीं लगाएगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस कम्प्लीटली पावर जो है वो ट्रांसफर होगी प्लस परपैचुअल होगी परपैचुअल मतलब क्या होता है टेम्प टेम्परेरी नहीं होगी कोई भी चीज़ क्या नहीं होगी टेम्परेरी नहीं होगी आपके पास कोई चीज आ गई है तो वो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पावर जो है वो दी गई है क्लियर ये सारी चीजें हमें बेसिक समझ में आ रही है जो जीन बोर्डिन के अकॉर्डिंग दो बातें इन्होंने जो थी वो फोकस की थी कि सोवरेनिटी एब्सोल्यूट होगी और परपेचुअल होगी पहले पूरा सोवरेनिटी का मीनिंग क्या है वो भी तो पूछा है तो हम सोवरेनिटी क्या था वो बताया बैकग्राउंड बताया फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे अब आगे एक और जीन रोसू की बुक थी जिसमें क्या नाम था डो कॉन्ट्रैक्ट सोशल और प्रिंसिपल जो ड्राइट पॉलिटिक अब देखो हम प्रॉपर बाहर के तो है नहीं भाई फर, जो ये लोग फ्रेंच में ग्रीक में लैटिन लैंग्वेज में चीजें लिखते हैं हम एग्जैक्टली exactly प्रोनाउंसिएशन नहीं पकड़ पाएंगे बिकॉज uh, वो लैंग्वेज नहीं आती है बट ठीक है मतलब नाम पढ़ के थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि बुक क्या है तो अगर एक आधा वर्ड ऊपर नीचे प्रोनाउंस हो जाए सो so, उसके लिए सॉरी फॉर दैट तो इट डील्स विद सोवरेनिटी एंड इट्स राइट इस बुक में उन्होंने सोवरेनिटी और सोवरेनिटी से एसोसिएटेड जितने भी राइट्स होते हैं उनके बारे में बात की है इतना ही मेंशन करना है बुक एक्सप्लेन नहीं करनी सारी बातें नहीं लिखनी है बट इतना बताना है कि हाँ यहाँ पे इन्होंने भी इस बारे में बात की है उसके बाद हमसे सोवरेनिटी के फीचर मीनस uh, कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं तो एक एक करके देख लेते हैं मैंने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे चीजें मेंशन करी हैं आप थोड़ा सा एग्जाम में लिखेंगे तो आप थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर दीजिएगा टॉपिक्स को तो पहला फीचर है absolute. अभी मैंने बताया मतलब किसी और का कंट्रोल नहीं है एप्सिल्यूट सोवरेनिटी होगी फुल कंट्रोल रहेगा जिसके पास पावर है तो कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं लगाई जाएगी क्लियर फिर आता है इनडिविजिबिलिटी इनडिविजिबिलिटी क्या होता है सोवरेनिटी कभी डिवाइड नहीं हो सकती आप सोवरेनिटी को ऐसे प्रॉपरली बांट नहीं सकते हो जब आप कह रहे हो कोई चीज़ चीज़ सुप्रीम सुप्रीम तो सुप्रीम मतलब तो मतलब टॉप मोस्ट वही चीज़ हो गई ना तो सुप्रीमेसी को फिर डिवाइड करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है अगर आपने डिवाइड कर दिया तो फिर सुप्रीमेसी तो बची ही नहीं सुप्रीम मतलब क्या होता है ये चार पांच लोग हैं इनमें से सबसे टॉप पे आप हो और जब आप डिवीजन की बात करो तो आप किसी और इंसान को भी कुछ पार्ट दे रहे हो तो वो ये जो पोजीशन थी जो हिरारकी में अपर वाली वो नहीं आ पाएगी तो इसीलिए कहा भी जाता है टू डिवाइड द सोवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉयट सोवरेनिटी को अगर आप डिवाइड करने की बात करो इसका मतलब सोवरेनिटी तो पूरी तरीके से खत्म है जस्ट एज देयर काउंट बी अ हाफ ह्यूमन जैसे कोई आधा इंसान नहीं हो सकता ना वैसे ही आधी जो है सोवरेनिटी नहीं हो सकती क्योंकि आप आधा करने की बात करोगे तो उसका जो मेन कोर बात है वो ही खत्म हो जाएगी फिर है यूनिवर्सैलिटी यूनिवर्सैलिटी मतलब एवरीवियर और सब पे इंप्लाय होती है ऐसा नहीं है कि आप कोई जना इसके दायरे से हम बाहर रह सकते हैं तो इट कवर्स एवरी ग्रुप इंडिविजुअल एसोसिएशन एवरी वन क्लियर फिर आता है पर्मांस पर्मानेंस क्या होता है कि ये पर्मानेंट चीज़ है ऐसा नहीं है टेम्परेरी होती है अभी हम हमने पढ़ा था ना आ, कि आपका क्या होता है ये परपैचुअल होता है तो वही टाइप का कंसेप्ट है कि स्टेट जो होता है वो पर्मानेंट इंस्टीट्यूशन है स्टेट तो नहीं चेंज हो रहा स्टेट तो नहीं कहीं उठ के जा रहा स्टेट तो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है तो इसलिए सोवरेनिटी भी क्या देखने को मिलती है हमें परमानेंट देखने को मिलती है फिर है एक्सक्लूसिवनेस देखो एक्सक्लूसिवनेस में सिंपल सी बात है एक्सक्लूसिव होती है मतलब मेरे पास सुप्रीम पावर है तो मेरे पास ही है कोई किसी और के पास नहीं हो सकती और इन केस किसी और के पास आ भी गई ना तो आमने सामने आएंगे लड़ाई वड़ाई होगी और एक आधे का काम खत्म होकर दूसरा पर्सन जो है वो सारी पावर एक्वायर करेगा सिंपल सी बात है विद इन वन स्टेट देयर कैन ओनली भी वन सोवरन सिर्फ एक ही सोवरण होगा जैसे कहा जाता है ना एक मैन में दो तलवार नहीं हो सकती तो एक मैन में दो तलवार यहाँ पे नहीं रहेगी एक और से यहाँ पे देख सकते हैं टेन बैगर इन अ ब्लैंकेट दस जो बैगर्स है गरीब है वो एक ब्लैंकेट में सो सकते हैं बट टू किंग्स के नॉट लिव इन अ किंगडम दो राजा एक किंगडम में नहीं रह सकते हिस्ट्री उठा के देख लीजिए एक फैमिली में आपस में दो भाई कई बार तो फादर और सन आपस में गद्दी के लिए राजा बने रहने के लिए लड़े हैं ठीक है तो फिर कैसे किंगडम हम बात कर सकते हैं कि दो राजा एक ही पर्टिकुलर प्लेस के दो राजा बन के रह सकते हैं सो दिस कॉन्ट बी पॉसिबल उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो हमारा है इम्प्रेसक्रिबिलिटी इम्प्रेस क्रिप्टिबिलिटी इसमें देखो क्रिप्टिबिलिटी में इम्प्रेस क्रिप्टिबिलिटी uh, में क्या है आपका सापेक्षता मतलब है इसका मतलब है स्टेट ऑफ बींग इनकेपेबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब से थोड़ा आपको समझ में आएगा देखो जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह है आ, बहुत समय से खाली पड़ी है कोई ओनर क्लेम करने ही नहीं आ रहा कि ये मेरी प्लेस है ये मेरी जगह है तो एक टाइम के लिए वेट किया जाता है ना पंद्रह बीस साल अब पंद्रह बीस साल तक नहीं आए और उसके बाद आके क्लेम करोगे तो वो जगह आपकी नहीं रहती है फिर वहां पर आपके ओनरशिप राइट अपने आप में चले जाएंगे एक टाइम लिमिट होती है ना किसी चीज की तो सिमिलर थिंग सोवरेनिटी के साथ ये वाली जो चीजें हैं ऐसा नहीं होती ये चीज कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट पे कोई पर्टिकुलर पावर नहीं एक्सरसाइज हो रही तो वो पावर हमेशा के लिए चली जाएगी इट हैपन इन केस ऑफ सोवरेनिटी तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल लॉ में ये होता है कि अगर ओनरशिप जो है एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी पे अगर एक्सरसाइज नहीं की गई कुछ समय तक जैसे पंद्रह या बीस साल तक तो ओनरशिप जो है वो लॉस्ट हो जाती है लेकिन ऐसा कुछ भी टाइम पीरियड वाला केस जो है वो सोवरेनिटी में नहीं होता फिर नेक्स्ट है इन एलिबिलिटी एलिबिलिटी मतलब यहां पे क्या हो है? जो है, वो नहीं होती मैं आपको दे दू ऐसा नहीं होता मेरे पास अगर पावर है तो आई विल एक्सरसाइज दैट पावर किसी दूसरे के पास अगर वो पावर जाएगी तो प्रॉपर वे होता है या तो इनहेरिटेंस से जाएगी कि मेरे बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से या फिर प्रॉपर रूलर जो इलेक्ट होते हैं उस तरीके से जाएगी बट नॉर्मली आप ट्रांसफर इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हो इज जस्ट क्लियरली हमने सोवरेटी सोवेनिटी के फीचर डिस्कस कर ली है सिक्स क्वेश्चन हो गया है uh, अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट जो है सेवंथ क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड इसकी कर दूंगी टेन क्वेश्चन अभी इसके डिस्कस हो जाएंगे एक डेढ़ घंटे में और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर देंगे दट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग